ये अल्हम्दुलिल्लाह देखे हमारी जो ग्रेवी है ये कितनी प्यारी तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह देखे ग्रेवी से पता लग रहा है कि करेले मज़ेदार बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह करेले हमारे रेडी हो गए हैं ये बहुत ही प्यारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड आज हम बनाएंगे कटे हुए करेले जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और करेले भी लेंगे, ये करेले के खेत से फ्रेश करेले तोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये मज़ेदार से कटे हुए करेले कैसे तैयार किए जाते हैं। कितने प्यारे माशाल्लाह करेले हैं, ताज़े फ्रेश मिल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश करेले हमने तोड़ लिए हैं, अभी इनको छील कर और काटते हैं। ये फ्रेंड करेले आप देख सकते हैं हमारे छिल गए हैं, अभी इनको धो लेंगे। फ्रेंड करेले हमने काट लिए हैं, अभी इनको थोड़ा सा नमक लगा के 10 से 15 मिनट रख लेंगे ताकि जो इनकी करवाहट होती है वो ख़त्म हो जाए। करेले बनाने के लिए हमने ये प्याज लिए हैं 4 से 5 दरमियाने साइज के, और ये टमाटर है, ये हमारे पास हरा धनिया है, नमक, ये लाल मिर्च, घी है, अदरक, हल्दी, और ये ग्रीन चिली है, और ये लहसुन के 8 से 9 जवे हैं। हांडी को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे, इसमें घी डाल देंगे, प्याज ऐड करेंगे, जी ये देखिए हमारा जो प्याज है वो ब्राउन होना शुरू हो गया, ज़्यादा ब्राउन नहीं आपने करना, बस इसी तरह का, ये बिल्कुल नरम हो गया ये आप देख सकते हैं। अभी इसमें टमाटर और मिर्चें ऐड कर लेंगे, बीस ये टमाटर को हमने अच्छी तरह धो कर रख लिया था। लहसुन ऐड करेंगे, ये लहसुन का हमने पेस्ट नहीं बनाया, ये जो जवे हैं इसके हमने साबुत रखा है, इन जवों को इनके अंदर ही ऐसे थोड़े से नरम होते हैं तो इसके अंदर ही ऐसे मैश कर लेंगे, 2 से 3 मिनट तक ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह हमारे टमाटर गल जाए। करेलों को 10 से 15 मिनट हमने नमक लगा कर रखा था ताकि इनकी करावट ख़त्म हो जाए, अभी इनको धो लेते हैं। जी ये माशाल्लाह देखिए करेले कितने प्यारे हो गए। आपने ऐसे करके करेलों का मसाला बना लेना है, और ये टमाटर और प्याज और लहसुन वगैरह के जवे आपने हल्के हल्के मैश कर देने हैं। करेलों में टमाटर और प्याज ये ज़्यादा डाले जाते हैं करेले और भिंडियों में ताकि इनका जो टेस्ट है वो बेहतर हो सके और ये मज़ीद मज़ेदार बन सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी ग्रेवी माशाल्लाह कितनी प्यारी रेडी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, इनको 3 से 4 मिनट भून के उसके बाद इसमें रेड चिली, नमक वगैरह, वो बाकी हल्दी पाउडर वगैरह ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली।
सब पानी और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी जो ग्रेवी है ये कितनी प्यारी तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ग्रेवी से पता लग रहा है कि करेले मज़ेदार बनेंगे। तो कर लेंगे ऐड इसमें इनकी बुनाई करनी है आपने जितनी हो सके अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है ताकि ये जो करेले की करवाहट होती है थोड़ी सी ये ख़त्म हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे करेले की बनाई कितनी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। ये देखें और कितने प्यारे हमारे करेले रेडी हो रहे हैं। अभी मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। अभी ये सब्ज़ धनिया ये डाल लेंगे। हांडी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है ये बहुत ही प्यारे माशाल्लाह। अभी इनको डिश आउट करते हैं। ये आप देखें केले माशाल्लाह हमारे कितने प्यारे रेडी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज अम्मी जान इधर खेत में मौजूद नहीं है, उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है, इसलिए आज मैं खुद ही ये करेले बनाकर खुद ही टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि ये मेरे प्यारे से और फ्रेश केले कैसे बने हैं। इनके साथ ये गर्मा गर्म तंदूरी रोटी है। बिस्मिल्लाह ये साथ हमने थोड़ा सा सलाद बना लिया है टमाटर प्याज और हरी मिर्च का ले लो साथ। जी तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले बहुत ही मज़ेदार बने हैं। कुछ लोग करते हैं करेलों को फ्राई करके घी में बाद में पकाते हैं, आप वैसे ही पका सकते हैं और ऐसे भी हमारी जो रेसिपी है ये माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है और बहुत ही मज़ेदार करेले बने हैं। आप इनको ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं किसी न्यू अच्छी वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।